ये आपके बहन है ना? बहन है। आपके क्या लगते हैं? भाई। अच्छा भाई बहन आप लोग शादी कर लिए हैं? जी। तुम मुझसे बात करो, मेरे साथ ऐसे करो, बिस्तर ले जाने की भी बात कर रहे थे, उस वक्त ये समाज कहाँ था? दोस्तों इस वक्त मैं बेतिया में मौजूद हूं और आपको बता दें कि बेतिया से एक खबर वायरल हो रही है कि एक भाई बहन जो है शादी कर ली है। देखिए उनको खोजते खोजते अभी हम पहुंच गए हैं और देखिए वही वो भाई बहन है जो कि दोनों शादी कर लिए हैं। और देखिए देखने में बिल्कुल नहीं लग रहे हैं कि ये दोनों जो है बालिक है, देखने में बिल्कुल नाबालिग लग रहे हैं और दोनों जो है शादी कर लिए हैं। देखिए हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे हम देखिए हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये लोग चले जा रहे हैं। अब चलिए इनसे हम डायरेक्ट इनको रोकते हैं और ऑन कैमरा रोकेंगे और इनसे बात करते हैं। अरे भाई रुकिए, भैया रुकिए ना, बोलिए। आप ही दोनों है ना जो भाई बहन शादी किए हैं? हाँ भैया। आप इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए भैया ना। आप ही दोनों है ना जो भाई बहन जो शादी किए हैं? ये आपके बहन है ना? बहन है। आपके क्या लगते हैं? भाई। अच्छा भाई बहन आप लोग शादी कर लिए हैं? जी। मतलब क्या ये क्या आप लोग कर रहे हैं समाज में? कोई क्या भी, कोई भी काम कर रहे हैं लोग, मतलब कोई भी हम लोग इतना छोटा सा भी कोई काम कर रहे हैं, मतलब कोई भी आकर पूछ ले रहे हैं। ऐसे जितना लोग परेशान करने के लिए आते हैं आप भी उसमें से आ गए परेशान करने के लिए। हम परेशान करने के लिए लोग का कहीं भी नहीं खड़ा रहे, लोग परेशान करने के लिए परेशान तो कर रहे हैं आप काय के लिए? तो आपका उम्र कितना साल हुआ? अब हम उम्र से आपको क्या करना है? उम्र कितना साल हुआ? 18+ है हमारा उम्र। 18+ है। लड़की का उम्र कितना है? 17। बताइए आपका उम्र 18 है, इनका उम्र 17 है, ये 17 साल में शादी करने लायक है? हाँ तो जब भी मन करे जिसको जब भी शादी कर सकता है। आप शादी करने के लायक हुई है? नहीं हुए, लेकिन हम ना जानते हैं किस वजह से हम लोग शादी किए हैं लोग। मतलब आपके वजह क्या वजह हो गया कि आप 17 साल में इनसे शादी कर लिए? साथ देने वाला कोई नहीं है और मेरे हर मजबूरी पर ये साथ दिए लो तो हम लोग को अच्छा लगा एक साथ। मतलब आपके पास क्या मजबूरी हो गया कि आप मजबूरी में शादी कर लीजिएगा? आपसे 10 रुपए मांगेंगे तो आप दीजिएगा, जमाना से मांगेंगे हम दीजिएगा, कोई आप नहीं देंगे, 100 रुपया देंगे। तो आप केवल बोल रहे हैं वीडियो में, बोल रहे हैं केवल कैमरा चालू इसलिए आप बोल रहे हैं कि मतलब हम दे रहे हैं। हमारा वीडियो देखे हैं, हजारों लोग की मदद करते हैं। सही, आप हजारों लोगों का मदद करते होंगे लेकिन बोल कर केवल करते होंगे, वीडियो देखा करते होंगे। आप एक दिन देंगे, हम लोग को रोज तो नहीं देंगे। आप अभी अपना वीडियो को सवाल लिए उसमें दिखा कर पैसे देंगे, इस तरह तो आप बाद में हम लोग को पैसा देने वाला है कोई? हमको बताइए जमाना का खर्चा दीजिए ना हम लोग का, चाहे पैसा बोल रहा आप रोज दीजिए। अच्छा आपके पास इतना क्या मजबूरी हो गया कि आपके मम्मी पापा नहीं है जो कि इस लड़के से शादी? कोई साथ देने वाला नहीं, एक मेरी मम्मी है और एक उसके बाद में ये भाई है जो मुझे हर मजबूरी पे ये मेरे साथ दिए है, हर गलत वजह से हमको बचाए है, तो हमको इनके साथ काम कर अच्छा लगा इसलिए हम लोग शादी कर लिए। क्या आपके साथ गलत हुआ है? क्या क्या हुआ है? क्या गलत हुआ? समाज की बात कर रहे हैं कि समाज है? इस वक्त ये समाज कहाँ था जिस दिन हम लोग भूखे प्यासे 20-25 दिन सोए थे लोग? मतलब आप भूखे प्यासे 20-25 दिन रह गए? और ये समाज कहाँ? ये आदमी तो 1-2 दिन भूखे प्यासे नहीं रह सकता, 20-25 दिन कैसे? खाली बिस्कुट खा के रहे हैं। अच्छा बिस्कुट खा के रहे हैं तो ऐसे बोलिए ना। ये समाज बोल रहे हैं, ये समाज किस लायक का है? जिस वक्त मुझे रास्ते में घेर के कर्जा वाला बोल रहा था कि तुम मुझसे बात करो, मेरे साथ ऐसे करो, बिस्तर ले जाने की भी बात कर रहे थे, उस वक्त ये समाज कहाँ था? मतलब आपके साथ आपको बोल रहा जा रहा था कि बिस्तर पे चलिए, बहुत गलत गलत बात किया है लो। इससे मेरे गांव वाला सब भी जानता था लेकिन ये समाज को मैं आज कुछ भी नहीं मानती हूँ। मेरे अंदर जो अच्छा लग रहा है मैं वो कर रही हूँ और मुझे ये समाज से कुछ लेना देना। अच्छा, बोलने वाला कौन था ये? ये मेरा गांव का था लोग, क्योंकि ये सामाजिक चलते में जितना लोगों की इज्जत, अपने लोगों की इज्जत करते जितना भी आई हूँ ना, उतना ही मेरे साथ गलत हुआ है और मुझे ठोकर मारा गया है। लेकिन मैं अब ये समाज को मैं कुछ नहीं जानती हूँ, जो मुझे अच्छा लगेगा हम लोग वही करेंगे लोग।